हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आज हम लोग उसी रैंक ऑफ मैट्रिक्स के टॉपिक पे कुछ गेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं बोर्ड पे। हम क्या कर रहे हैं आज, क्वेश्चंस ऑन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, क्वेश्चंस टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, रैंक ऑफ फॉलोइंग एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज। हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और ऑप्शन दिए हुए चार। ये सारे क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं। ठीक है, देखो इस ऑप्शन में ना कंफ्यूजिंग क्या है, वन टू एन कंफ्यूजिंग नहीं है, वन टू और एन ये तीन ऑप्शन कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन ये डी वाला ऑप्शन है ना ये कंफ्यूजिंग है। देखो इसका रैंक ए पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये मैट्रिक्स ही वैसा दिया है। देखो डी वाले ऑप्शन में क्या दिया, डिपेंड्स ऑन है ना, तो ए पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि मैट्रिक्स ही वैसा दिया है। राइट, समझो ए अगर टू रहेगा तो यहां पे टू है, तो यहां पे भी टू रहेगा, यहां पे भी टू रहेगा, एवरीवेयर टू, और यहां पे टू स्क्वायर हो जाएगा, टू स्क्वायर, टू स्क्वायर। मतलब क्या कि ए का वैल्यू कुछ भी हो, रैंक जो इसका आएगा वही ए का वैल्यू पुट करने के बाद भी आएगा, सेम रैंक आएगा। ठीक है, मतलब क्या कि अब हम इसका रैंक कैसे निकालेंगे। देखो इसके इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वहां पे सारे एलिमेंट्स माइनस होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसको हटाना है पूरे रो को। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, रो इक्लॉन फॉर्म में। तो अगर समझो इसको हटाना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आर टू माइनस आर वन, राइट, वन माइनस वन जीरो, ए माइनस ए जीरो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो। फिर इसको अगर मैं हटाना है सेम आर थ्री माइनस आर वन, राइट, और इसको हटाना है तो सेम वही करेंगे, nth रो है ना, तो आर एन माइनस आर वन, राइट। तो होगा क्या इसे कि ये सारे रो जीरो बन जाएंगे, मतलब फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी इसके नीचे जितने भी रो रहेंगे वो सारे रो जीरो रो बन जाएंगे। तो नॉन जीरो रो कौन सा बचा, सिर्फ एक बचा, ये क्या है, नॉन जीरो रो। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, सिर्फ एक है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रैंक कितना आएगा, सिर्फ वन आएगा। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है, टू नहीं है, एन नहीं है, और डी पे, ए पे डिपेंड नहीं करेगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर टू, लेट ए बी ए फोर क्रॉस थ्री रियल मैट्रिक्स, ठीक है, विथ रैंक टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। रैंक टू दिया है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर क्या है, फोर क्रॉस थ्री। देखो एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर क्या है, फोर क्रॉस थ्री, और इसका रैंक कितना दिया है, टू दिया है। ऑप्शन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन क्या है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इन टू ए इज लेस देन टू। बी क्या है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू टू। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये प्रॉपर्टी पे पूछा गया है, पिछले वीडियो में हमने ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। प्रॉपर्टी क्या है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इनटू ए ट्रांसपोज, इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए। ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है और इस प्रॉपर्टी को हमने नोट डाउन भी किया है। ठीक है, और सेम प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो रैंक ऑफ ए कितना है, टू है, राइट। तो हमें पूछा क्या है, ए ट्रांसपोज ए का रैंक कितना होगा, तो ए ट्रांसपोज ए का रैंक वही होगा जो ए का होगा, और ए का कितना है, टू है, इसका मतलब कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू टू, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू टू। सी में क्या है, इज ग्रेटर देन टू, नहीं। डी में, कैन बी एनी नंबर बिटवीन वन एंड थ्री, नो। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और एक वे है इसको सॉल्व करने का, तो कौन सा है, एक प्रॉपर्टी और है जिससे जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्रॉपर्टी हमें याद होना चाहिए, राइट, क्या है वो प्रॉपर्टी, कि अगर समझो आपके पास ए इंटू बी दो मैट्रिक्स है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर आप उसका रैंक निकालना है, so that rank will be less than equals to minimum of rank of A or rank of B।
ठीक है ना। और देखो रैंक ऑफ ए कितना है, टू है, रैंक ऑफ ए कितना है, टू है, तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी टू होगा, परफेक्ट। अब हम पूछ रहा है क्या कि रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी दिस विल बी मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए इंटू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, तो मिनिमम ऑफ 2,2, राइट, ए भी 2 है और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी 2 है, सो मिनिमम ऑफ 2,2 इज इक्वल्स टू 2, सो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज 2। तो इस प्रॉपर्टी से भी हमने प्रूफ किया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर गिवन बिलो, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, रैंक ऑफ ए इज एन, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ बी, ऑप्शन दिया है एन बाई टू, एन माइनस वन, एन टू एन, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो रैंक ऑफ ए कितना दिया है, टू दिया हुआ है, रैंक ऑफ ए इज टू गिवन, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। और जो बी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी, वो कैसे मिला, क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी आर प्लस क्यू एस, पी आर प्लस क्यू एस, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस बी मैट्रिक्स इज ऑब्टेंड बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स ए, ठीक है, कैसे, देखो एक कॉलम वन है और एक कॉलम टू है, राइट, कॉलम वन है और एक कॉलम टू है, क्या करूंगा मैं, कॉलम वन में पी मल्टीप्लाई करूंगा और कॉलम टू में क्यू मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा और फाइनली मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉलम वन, ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो पी इंटू सी वन, तो पी इंटू सी वन में क्या है, पी, पी स्क्वायर हो गया, क्यू इंटू सी टू, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और किसको, किसमें लिखना है उसको, सी वन में लिखना है, तो हमने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का यहां लिख दिया, मतलब क्या कि इसी मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें मैट्रिक्स बी मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने कॉलम वन का लिखा, मतलब कॉलम वन पूरा हमें इस मैट्रिक्स में मिल गया, कॉलम टू कैसे मिल रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो कॉलम टू कैसे मिलेगा, देखो कॉलम टू में क्या है, पी इंटू आर प्लस क्यू इंटू एस, तो यहां से देखो पी इंटू आर प्लस क्यू इंटू एस, देन आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, कॉलम टू हमें कैसे मिलेगा इस मैट्रिक्स में, हम क्या करेंगे यहां पे, देखो यहां पे पी इंटू आर चाहिए ना और वहां पे क्यू इंटू एस, तो क्यू तो ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एस, एस में एस को मैंने सी टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहां पे पी है ऑलरेडी, आर नहीं है, तो आर इंटू कॉलम वन कर दिया, देखो इससे होगा क्या, एस है ना, सो एस इंटू क्यू टू, क्या है, क्यू है, तो क्यू एस हो गया, प्लस आर, सी वन में क्या है, पी है, तो पी आर हो गया, पी आर प्लस क्यू एस, और किसमें लिखा हमने, सी टू में लिखा, इसका मतलब, और सेम यहां में भी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, मतलब क्या कि देखो एस इंटू सी टू, एस इंटू एस, क्या कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर, और फिर आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्या है कि कॉलम टू पूरा हम लोग का कॉलम वन, कॉलम वन के साथ जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसको हम बोलेंगे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसके थ्रू हमें मैट्रिक्स बी मिल जा रहा है, मतलब क्या कि मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स ए, एंड वी नो दैट, क्या हमको क्या पता है, एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल नॉट चेंज इवन बाय अप्लाइंग एनी एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो हम यहां पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, राइट, ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई किया हमें मैट्रिक्स बी मिल गया, सो देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल नॉट चेंज, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो ए का था वही बी का भी रहेगा, तो ए का कितना था, एन था, देयरफॉर बी का भी कितना रहेगा, एन रहेगा, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें पूछा है क्वेश्चन में रैंक ऑफ बी कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स,
देखो इस मैट्रिक्स में ना आप डायरेक्टली इसको ऑर्डर कितना है 3x3 राइट, और पूछा इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है। तो देखो यहां पे फर्स्ट रो और सेकंड थर्ड रो, फर्स्ट रो थर्ड रो सेम है, तो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम देन डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज जीरो। तो यहां पे दो रो सेम है इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, मतलब कि 3x3 मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका रैंक 3 नहीं है, ठीक है, इसका रैंक 3 नहीं है, 3 से कम है, ठीक है, क्योंकि वो जीरो माइनर हो जा रहा है। हमें क्या, हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन नॉन जीरो माइनर, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट द लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर। सो लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर इसमें 3x3 था बट उसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया, तो लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर रहा ही नहीं, ठीक है, तो 3 से छोटा दूर ढूंढना पड़ेगा। तो 3 से छोटा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, बट 0 इस मैट्रिक्स का होगा ही नहीं क्योंकि ये नल मैट्रिक्स जब भी होगा तभी हम लोग का रैंक 0 होता है। लेकिन अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन बी डी हमने देखा अभी ये रॉन्ग है, ऑप्शन वन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कोई एक करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम रैंक ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर देखते हैं। तो देखो इसका अगर हम लोग इसको ले, ये भी एक माइनर है राइट, तो अगर हम इसको ले 1 1 1 माइनस वन, माइनर मतलब डिटरमिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका 2x2 ऑर्डर है तो कितना होगा, माइनस वन और माइनस माइनस वन कितना होगा, माइनस टू, दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर कोई एक मैट्रिक्स का माइनर मतलब कोई भी एक माइनर आपको नॉट इक्वल टू जीरो मिला, इसका मतलब क्या है, रैंक उस माइनर का ऑर्डर है, तो इस माइनर का ऑर्डर कितना है, 2 है, ठीक है, तो रैंक कितना है इसका, 2 है। अगर समझो कि 2x2 के सारे माइनर 0 मिल जाता हमें तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसका रैंक 2 नहीं है, रैंक 2 से कम है। तो 2 से कम हो सकता था क्या, 1 या तो 0, 0 है ही नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होता, बट यहां पे इसका रैंक 2 है क्योंकि 2x2 का एक माइनर था जो नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स, ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, इन जनरल मैट्रिक्स है, आई कितना है, 1 से लेके एन तक है, 1 से लेके एन तक है, जे भी कितना है, 1 से लेके एन तक है, मतलब क्या कि आई क्रॉस जे इसका ऑर्डर कितना है, एन क्रॉस एन है, ठीक है, विद एन ग्रेटर इक्वल टू 3, यहां पे एन कितना होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 3, तो मैं मिनिमम कितना है, 3 है राइट, एन इक्वल टू 3 और 3 से बड़ा रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक 3x3 का मैट्रिक्स यहां से डिफाइन करता हूँ। बट वो मैं मैट्रिक्स डिफाइन कैसे करूंगा, 3x3 मतलब 3 रो रहेंगे और 3 कॉलम रहेगा, बट वो मैट्रिक्स मैं डिफाइन कैसे करूंगा, वो दिया है क्या क्वेश्चन में, तो इसके बाद अगर क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्या दिया है, एंड ए आई जे इज नथिंग बट ए आई इंटू जे, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे क्या थे, ए आई जे, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, आई इंटू जे, तो आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, तो ये कौन सा एलिमेंट रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट रहेगा, सो 1 × 1 तो कितना होगा, 1, ये कौन सा रहेगा, फर्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट रहेगा, तो 1 × 2 तो इसका 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 × 3, सेम यहाँ पे 2 राइट, यहाँ पे कितना होगा, 2 × 2 = 4, यहाँ पे 2 × 3 = 6, 3 × 1 3 × 2 3 × 3, ठीक है, हमने मिनिमम एक मिनिमम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया इनके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, और हमें पूछा है कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आएगा, एक मैट्रिक्स ए है राइट, देन रैंक ऑफ ए इज हाउ मच, ठीक है। तो देखो रैंक क्या होता है, लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर या तो फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, इसको हम लोग आर टू जो है इसको हम जीरो रो बना सकते हैं, क्यों कैसे करेंगे, देखो यहां पे 2 है ना, सो दिस इज नथिंग बट आर टू माइनस 2 × आर1, तो ये 2 − 2 × आर1 जीरो हो जाएगा, यहां पे 4 है, 4 − 2 × 2 = 4 = 0, 6 − 3 × 2 = 6 = 0, तो ये पूरा रो जीरो बन गया। ये भी बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, इसकी मदद से क्या होगा, r3 − 3 r1 तो इतना 3 − 3 × 1 = 0, 6 है, 6 − 3 × 2 = 6 = 0, 9 − 3 × 3 = 9 = 0, तो मतलब क्या कि ए रो 0 रो बन गया, ए भी रो 0 रो बन गया,
और हमें पता है कि रैंक कितना होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस। नॉन जीरो रोस सिर्फ यही बचा है और इस रो को मैं जीरो रो नहीं बना सकता क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे किसी मदद लेनी पड़ेगी और जो मेरे पास है नहीं। ठीक है, इसी तरह अगर आप, मैंने 3x3 का लिया है मैट्रिक्स, आप 3x3 से बड़ा भी लेंगे क्योंकि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से बड़ा भी कोई लेंगे तो आपको उस केस में भी नॉन जीरो रोज जो होगा एक ही मिलेगा। इसका मतलब इसका रैंक कितना है, 1 है। ठीक है, नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो इसका रैंक कितना है, 1 है। दिस इज नॉन जीरो रो। Therefore, rank of this matrix is 1. Zero तो हो ही नहीं सकता यार, zero तो सिर्फ non matrix होगा, हमेशा zero जब भी रहेगा तुरंत eliminate कर दो। Zero exception case है जो हमें पता होना चाहिए। Rank अगर non matrix है आपके पास कोई, तो उस matrix का rank zero हो सकता है, simple। तो zero तो हो गया ही, 1 n-1 n, तीन option थे अपने पास, जिसमें हमें पता चला कि इसका rank कितना है, 1 है। Option B is the correct option। ठीक है, question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 4x4 ऑर्डर है उसका, और पूछा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज व्हाट। ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4। देखो तो इसका रैंक कैसे निकालेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन एक सफिशियंट है अपने पास इसको निकालने के लिए, सिंपल है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। क्यों मैं डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है और स्पेशली जो अपना फोर्थ रो है इसमें नंबर ऑफ जीरोस बहुत ज्यादा है, 3 जीरो है और सिर्फ एक लास्ट में एक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां से इसका डिटरमिनेंट निकालना बहुत सुटेबल पड़ेगा जहां से हमें रैंक मिल जाएगा। सो रैंक ऑफ ए इज नथिंग बट इसका साइन क्या आएगा कोफैक्टर का, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, सो प्लस 1 × और उसके बाद इसके रो इसके कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या, 1 0 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, फाइनली हमें क्या मिलेगा, 1। इसके बाद हम कौन सा रो लेते हैं, हम लोग ये सेकंड रो लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं अलोंग सेकंड रो। सो सेकंड रो में क्या है, यहां पे 1 है राइट, और ये कौन सा रो में, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, सो इसका भी साइन क्या आएगा, प्लस 1। तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ो, बचा क्या, 1 1 1 0। ठीक है, तो 1 1 0 -1, तो कितना मिलेगा आपको, 1 × 1 × -1 -1। दैट मींस हमने लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनस में था 4x4 का मैट्रिक्स, और उस 4x4 का मैट्रिक्स का जब हमने डिटरमिनेंट निकाला तो हमें क्या मिला, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि इसका रैंक क्या है, 4 है, क्योंकि यही एक लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर है इस समय, 4 है। अगर ए 0 आ गया होता तो मैं क्या करता, फिर 3x3 के लिए चेक करता। ठीक है, तो उस केस में 3 हो सकता था रैंक, वो भी 0 आ जाता तो 2 हो सकता था, बट हमने इसका डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाला, हमने चेक किया कि इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मींस द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 3x4 और हमें पूछा है रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट। ऑप्शन दिए हैं 4 3 2 1। ठीक है, देखो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, मिनिमम ऑफ 3, 4, तो मिनिमम कितना है, 3 है। ठीक है, तो मिनिमम कितना है, 3 है, तो इसका मैट्रिक्स का रैंक या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, 0 नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए को ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये ऑप्शन यूजलेस है क्योंकि 4 रैंक हो ही नहीं सकता इसका, मिनिमम ऑफ 3, 4 होगा जो 3 है, तो 3 के लिए चेक करते हैं, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए। तो अभी लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनस का क्या है, 3 है, तो 3 के लिए चेक करते हैं। देखो और इसको ना हम लोग क्या करते हैं, रो इक्वलन फॉर्म के थ्रू सॉल्व करते हैं, और रो इक्वलन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखो मैं ना ये R3 है और ये R1 है राइट, R3 और R1 को मैं इंटरचेंज कर देता हूं, सो R1 एंड R3 इंटरचेंज कर देता हूं, क्या मिलेगा, 2 1 0 1 4 2 1 3 6 3 4 7। ठीक है, देखो ये मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, और रैंक एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो रैंक सेम रहेगा, जो इसका है रैंक वही अप्लाई करने के बाद भी रैंक मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको 0 बनाना ना, इस वाले रो को,
आर टू हो, तो आर टू में क्या है सिक्स है, सिक्स माइनस थ्री आर वन करते हैं, एंड इसमें क्या है फोर है, सो आर थ्री में फोर है राइट, आर थ्री माइनस टू इंटू आर वन करते हैं, ये दोनों अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। सो टू वन जीरो वन, आर टू माइनस थ्री आर वन, सो सिक्स माइनस टू इंटू थ्री जीरो, आर टू में कितना है थ्री, थ्री माइनस थ्री इंटू वन जीरो, फोर माइनस थ्री इंटू जीरो फोर, सेवन माइनस थ्री इंटू वन, सेवन माइनस थ्री इंटू वन कितना होगा फोर होगा, ठीक है, आर थ्री माइनस टू आर वन ये तो जीरो हो गया, टू माइनस टू इंटू वन जीरो, वन माइनस टू इंटू वन, टू इंटू वन माइनस टू इंटू जीरो, वन माइनस टू इंटू जीरो तो कितना होगा वन होगा, कितना होगा थ्री माइनस टू इंटू वन कितना होगा वन, ठीक है। अब देखो जो थर्ड रो है ना इसको हम जीरो बना सकते हैं, कैसे, आर थ्री में वन है तो फोर आर थ्री माइनस आर टू, आर थ्री को जीरो बना सकते हैं पूरा आर टू की मदद से, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा टू वन जीरो वन जीरो जीरो फोर फोर एंड जीरो 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 जीरो, ठीक है। देखो हमारे पास थ्री क्रॉस फोर का एक मैट्रिक्स था जिसमें से तीन रो थे और एक रो पूरा जीरो रो बन गया, तो नॉन जीरो रोज कितने हैं, सिर्फ दो हैं। रैंक क्या होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो नंबर ऑफ नॉन जीरोस कितने हैं, रो दो है, therefore rank of this matrix is 2 and not 3, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना अगर रो इकलॉन फॉर्म हमारे लिए सुटेबल था, क्योंकि अगर हम वो डिटरमिनेंट के थ्रू अगर इसको सॉल्व करते तो हमें इसके वो सारे 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट निकालने पड़ते, सारे 3 क्रॉस 3 के पॉसिबल जो भी माइनर्स थे उन सारे के डिटरमिनेंट निकालने पड़ते ये बताने के लिए कि इसका रैंक 3 नहीं है, ठीक है। बट रो इकलॉन फॉर्म ने, रो इकलॉन फॉर्म में डायरेक्टली आंसर दे दिया इसका रैंक क्या है 2 है, इसलिए मोस्टली हम लोग रो इकलॉन फॉर्म हर जगह प्रेफर करते हैं, ठीक है। देयरफॉर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर 2 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, ठीक है। एक थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स हमें दिया है यहां पे, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स बी दिया है जो जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो एक मैट्रिक्स है नॉन जीरो है और एक मैट्रिक्स बी है जो नल मैट्रिक्स है। अगर हम ए इंटू बी मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो ए इंटू बी करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, और ओबी इसने दिया है ए इंटू बी जीरो। पूछा गया क्वेश्चन में रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी इज व्हाट, इस मैट्रिक्स बी का रैंक कितना होगा, ठीक है। देखो इसको कोई सॉल्व करने के लिए सिर्फ अपने वो प्रॉपर्टी ही काफी है, रैंक ऑफ ए इंटू बी अपने वो पता है कि मिनिमम ऑफ लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, ठीक है। देखो रैंक ऑफ ए इंटू बी मिनिमम रैंक ऑफ ए कितना है, ए का रैंक मुझे पता नहीं है लेकिन मिनिमम रैंक इसका 1 होगा, है ना, मिनिमम रैंक इसका 1 होगा। मैं निकालूंगा नहीं इसका क्योंकि टाइम लेगा, बिना इसको निकाले इसका रैंक निकाले हमें इसका आंसर मिल सकता है। इसका मिनिमम रैंक 1 तो होगा क्योंकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो समझो कि मिनिमम 1 है, समझो ए का रैंक मिनिमम 1 है, बट बी का रैंक कंफर्म है कि 0 है क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स है, बी का रैंक कंफर्म है कि 0 है तो बी का 0 है, ये करेक्ट है, मैंने अज्यूम किया है, बट मिनिमम तो 1 होगा इतना कंफर्म है, ठीक है ना ए का। अब देखो हमें बोला है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी पूछा, राइट, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी, देखो रैंक ऑफ ए इंटू बी क्या मिलता है मिनिमम ऑफ 0, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0, और मुझे लगा रैंक ऑफ ए इंटू बी पूछ रहा है बट रैंक ऑफ बी क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में क्या है बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि वो नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, सिंपल, सीधा ऑप्शन में जाओ आप, रैंक इक्वल्स टू 2 करेक्ट नहीं है, आर लेस देन 3, आर लेस देन इक्वल्स टू 3, ये दो ऑप्शन सुटेबल हैं क्योंकि रैंक इतना 100% के साथ 0 है, तो ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा देखते हैं, बट डी ऑप्शन तो रॉन्ग है, आर इक्वल्स टू 3 बता रहा है। देखो ऑप्शन बी मुझे ज्यादा सही लग रहा है, ऑप्शन सी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आर लेस देन इक्वल्स टू 3 बोल रहा है, मतलब आर 3 होगा
और 3 से कम होगा, ठीक है। बट यहां पे तो रैंक 3 है ही नहीं, यहां पे तो रैंक 0 है ना, कंफर्म है कि रैंक इसका 0 है। सो r लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, r लेस देन 3 है, ठीक है ना, 0 मतलब r लेस देन 3। अब बोलोगे सर 2 हो सकता है 1 हो सकता है, ठीक है हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया था उन्होंने, वैसा सुटेबल ऑप्शन नहीं दिया था, सुटेबल ऑप्शन अपने को बी था, तो मैंने बी को टिक किया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, इफ द रैंक ऑफ ए 5x6 मैट्रिक्स क्यू इज 4 देन व्हिच इज करेक्ट। ऑप्शन ए में क्या दिया है, क्यू विल हैव 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। ऑप्शन बी में क्या है, क्यू विल हैव 4 linearly independent rows and 5 linearly independent columns. Independent columns. Option C क्या है, Q into Q transpose is invertible. D में क्या है, Q transpose into Q will be invertible. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले रैंक इस मैट्रिक्स का 5x6 मैट्रिक्स जो Q है उसका रैंक कितना है, 4 है। तो रैंक कभी भी रैंक कब पता चलता है हमें, जितने भी डिपेंडेंट रोज होते हैं, डिपेंडेंट जितने भी रोज होते हैं ना, उन सब को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, और उसके बाद जो भी रोज या जो भी कॉलम्स हमें मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। हमेशा याद रखना, रैंक में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी डिपेंडेंट रोज होते हैं या फिर डिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग बाय यूजिंग रो इक्लॉन फॉर्म और कॉलम इक्लॉन फॉर्म। जो बचते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो। तो अगर इस मैट्रिक्स का रैंक 4 है, इसका मतलब कंफर्म है कि इस मैट्रिक्स में 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोस हैं एंड 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन ए पढ़ेंगे आप, तो इसमें लिखा है Q will have 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोस एंड 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। 4 क्यों, क्योंकि 4 इसका रैंक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी में सब कुछ तो सही लिखा था, लेकिन यहां पे लिखा है 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। नहीं, जितने रैंक में कितना होता है, जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने ही कॉलम्स ना, जितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने ही इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, हमेशा याद रखना। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी में क्या बोला है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो ऑलरेडी रॉन्ग है, ऑप्शन ए करेक्ट मिल गया है, बट ऑप्शन सी और डी में हमने एक टर्म देख लिया है इन्वर्टिबल का। इन्वर्टिबल मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इन्वर्टिबल क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल सकते हैं, जिस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इनवर्स कब निकलता है, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सो व्हेनेवर एनी मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो देन दैट मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, सिंपल, ठीक है ना। तो इन्वर्टिबल टर्म था, तो इसलिए मैंने इन्वर्टिबल के बारे में आपको बता दिया थोड़ा। नॉन इन्वर्टिबल क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है, जिसका आप इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। और ये इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे मतलब यही टाइप का एक क्वेश्चन है जो पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस ऑप्शन में सी और डी ऑप्शन तो यूजलेस दिया था, कोई मतलब नहीं था उसका, बट ठीक है, हमने कुछ डिस्कस कर लिया इसमें। तो फाइनली हमने बहुत सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रैंक से रिलेटेड था, गेट में पूछा गया था, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशंस, जो जहां से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्चुअली पूछे जाते हैं, ठीक है, बट उसके लिए हमें उसके पहले जो भी हमने पढ़ा, रैंक, उसके बाद डिटरमिनेंट, उसके बाद इनवर्स, ये सारे जितनी भी चीजें हमने पढ़ी इसके पहले, वो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि वो सब कुछ वहां पे यूज होगा। सो फाइनली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन देखेंगे, जिसमें दो चीजें हैं, एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, एक नॉन होमोजीनियस, ठीक है। थैंक यू।